इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्रीटेड चार्ज सिस्टम के कारण तो हम लोग देख लिए थे। अब आ चुके थे कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में, और कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में हम लोग जी यूनिफॉर्म चार्ज थिन रॉड था, या मैं कह लूं कि यूनिफॉर्म चार्ज वायर था, उसके कारण हम लोग एक्सिस पोजिशन भी निकाले और नॉन एक्सिस यानी परपेंडिकुलर पोजीशन में भी निकाले। दोनों केसेस किया गया, पिछला वीडियो इसी पे है और पूरी तरह से उसको देखें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो जरूर उसको देखिए। होता क्या है कि जब आप क्लास में होते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम करता है तो आप कहते हैं सर ये प्रॉब्लम कर रहा है, आप थोड़ा फिर से समझा दें। तो वो चीजें अगर नहीं हो पाती है तो आप क्या करो, एक बार वीडियो को फिर से आप ले जाओ, रिवर्स करो और फिर से देखना स्टार्ट करो। जी हाँ, वीडियो देखते वॉच करते समय कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, वो भी इंटरमीडिएट का। जी तो आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं जी यूनिफॉर्म चार्ज सिस्टम। अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे सिस्टम हैं। आज हम लोग रॉड के बाद, रॉड को अगर हम लोग ऐसे अगर टर्न कर दें तो रिंग बनेगा। जी हाँ, अगर थोड़ा सा एंगल पे टर्न करते हैं या 1/4 रिंग पे करते हैं क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जी हाँ, अगर हाफ कर दे सेमी हो जाएगा, फुल कर दे सर्कुलर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग अब उसी को थिन वायर या थिन रॉड को एक रिंग के रूप में ले रहे हैं। यानी आज हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज सिस्टम जो है वो एक रिंग है। क्या है? रिंग है। क्लियर? ये तो हम लोग यहां पर आज पढ़ने वाले जो टॉपिक वो समझिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। जी रिंग है, आपको पता है जो लोग हिंदी भाषी हैं, वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग थोड़ा सा सुने, सुन करके पकड़ना सीख लें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता आपको कैलकुलेट करनी है ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, यानी एक समान आवेशित बल है, छल्ला है, और उस छल्ला के द्वारा क्या करना हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर है ये? अब समझ में आ गया है? जी तो यहां लिखने को जरूरत है, लिख लें तो लिखने की कंडीशंस में अगर है तो लिख सकते हैं, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है ये? दिख रहा है सबको? अब हम लोग यहां पर अगर ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये बल हमारा कंप्लीट है कि हाफ है कि किस एंगल तक कटा हुआ है, तो स्टैंडर्ड केस ले लेता हूं मैं। स्टैंडर्ड केस कहने का मतलब कि बल को मैं कंप्लीट ना लेके किसी एंगल तक लेता हूं। जी यानी वो यूनिफॉर्म चार्ज जो ये आपका थीन रॉड या वायर के रूप में था, समझेंगे, इसी को हम लोग टर्न कर दे रहे हैं। और जब इसको टर्न करेंगे रिंग के रूप में, पूरा रिंग बना भी सकते हैं, आधा रिंग भी बना सकते हैं, 1/4 ही बना सकते हैं, किसी एंगल पर भी, क्वेश्चन आपका किसी भी एंगल पे आ सकता है। तो हम लोग पहले सेंटर पे निकालेंगे। जी जो निकाल रहे हैं कहां पर, केस फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं। केस फर्स्ट, एट सेंटर यानी केंद्र पर। क्लियर है? तो जो रिंग है उसी के सेंटर पे हमको निकालना है। अब रिंग को स्टैंडर्ड केस में मैं मोड़ता हूं। जी यानी रिंग जो बना रहे हैं, कंप्लीट रिंग भी हो सकता है और कंप्लीट हो भी नहीं सकता है। तो स्टैंडर्ड केस ले लें, उसी केस से हम लोग क्या करेंगे, सारे केस को साफ कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर
ये रिंग को मैंने इस तरह से टर्न कर दिया। ओके, अब ये रिंग सेमी सर्कुलर नहीं है, इसका सेंटर में का लुक ये है। ओके, और क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसमें चार्ज है और ये चार्ज यूनिफॉर्म है। मैं कह लूं कि इसमें एल लेंथ में क्यू चार्ज है, बात समझ आ रही है? एल लेंथ में क्यू चार्ज है, यानी इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है एल, जी थिकनेस नेगलेबल है और क्यू चार्ज है। ये सेंटर है, ये इसकी रेडिया हो गई, रेडिया को हम लोग कैपिटल आर से ले लें, जी है ये रेडिया है। तो ये वाला जो सिरा है सेंटर पे और ये वाला सिरा जो सेंटर पे है, ये पूरा का पूरा कितना एंगल बना रहा है, तो मैं कह लूं कि ये बना रहा है जी फाइव, कितना बना रहा है फाइव, यानी पूरा जो यहां से लेके यहां तक, या थीटा में कह लेता हूं जी, थीटा बना रहा है। ये पूरा जो एंगल है, ये एंगल क्रिएट हो रहा सेंटर पे, यानी इस इंड ए से और ये बी इंड, दोनों मिलके जो सेंटर पे एंगल क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं कितना, थीटा। समझ में आ रही बात? थीटा भी गिवेन हो सकता है, इसकी रेडिया भी गिवेन हो सकती है, ये दो चीज गिवेन होंगे। क्यू चार्ज है एल लेंथ में, तो आपको पता है कि यूनिट लेंथ में, पिछला वीडियो जरूर देखें तभी समझ में आएगा। तो यूनिट लेंथ में क्या होगा, क्यू बाई एल, और यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग ये समझ ले कि यहां पे एंगल कितना बना रहा थीटा, ये थीटा हमारा किसी फिक्स, कह सकते हैं कि अगर जितना भी यहां पे आर्क दिया रहेगा, जितना भी फोल्ड किया रहेगा, उसके लिए थीटा फिक्स है। जैसे कि अगर हम ये कह लें कि इसको मैं सेमी सर्कुलर कर दूं, अर्धवृत्त कर दूं, तो थीटा 90 हो जाएगा, क्लियर है? क्वाड्रेटरी कर दूं, तो चूंकि एक चौथाई जब होगा तो थीटा हमारा 90 हो जाएगा, और पूरा पूरा अर्धवृत्त कर देंगे, थीटा हमारा यहां से लेके यहां तक, यानी 180 हो जाएगा। अब पूरा अगर सर्किल कर देते हैं तो ये थीटा हमारा 360 हो जाएगा, क्लियर है ये? तो पर्टिकुलर एक फिक्स सेक्शन के लिए थीटा फिक्स है, यानी कितना है उसके लिए थीटा फिक्स है। हाँ, ये अलग बात है, स्टैंडर्ड केस है तो अलग अलग केस में हम थीटा को अलग अलग रख के देख सकते हैं। इसकी रेडिया आर है, माना गया है, जो भी रेडिया रहेगी उसकी जगह हम पुट कर लेंगे आर की जगह, और हमें इस पूरे सिस्टम के कारण सेंटर पे निकालना है। तो मैंने क्या कहा था कि चार्ज हमारा जो है वो इस रिंग पर है। अब चूंकि ये चार्ज एक पॉइंट के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि यहां के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आएगा, यहां के कारण ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, तो यहां के कारण ये आएगा, तो एक पॉइंट के रूप में नहीं ले सकते। और जब भी चार्ज पॉइंट के रूप में ना हो, कंटिन्यूअस सिस्टम में हो, तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन काट लेते हैं। अब वो सेक्शन हमने काटा जिसकी लेंथ क्या, डीएक्स, और डीएक्स लेंथ बहुत कम है, चूंकि बहुत बहुत कम है, क्योंकि यहां दिखाया भले ज्यादा जाता है लेकिन डीएक्स बहुत कम होता है। उस डीएक्स लेंथ में चार्ज कितना है, डी क्यू, और आपको पता है एल लेंथ में क्यू चार्ज है। तो पिछले लेक्चर में पूरी तरह मैंने समझाया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो यहां पर जाहिर सी बात क्यू बाई एल, तो डीएक्स लेंथ में क्या हो जाएगी, क्यू बाई एल इंटू डीएक्स, और उसको क्यू बाई एल को बोलते हैं लैमडा, तो डी क्यू जो चार्ज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लैमडा इंटू डीएक्स। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये बात आती है कि ये जो हमने ये काटा है सेक्शन, वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है। तो यहां देख लें कि अगर मैं कहूं कि ये एंगल मैं यहां से ले रहा हूं, यानी ये जो सेक्शन काटा गया है ये बहुत छोटा सा, मैं कह लूं कि ये डी फाई एंगल का सेक्शन काटा गया है, डीएक्स मोटाई का काटा गया है, लेकिन ये आपका इस सेंटर से कितना एंगल बना रहा है। तो सेंटर से पूरा पूरा ये जो है आपका जो रिंग है वो थीटा एंगल है, लेकिन जो मैंने सेक्शन काटा है इसमें एक एलिमेंट काटा, वो कितना एंगल बना रहा है। तो मैं कह लूं कि आर रेडिया, तो इसकी रेडिया है जी हाँ, लेकिन ये सेंटर से जो एंगल बना रहा है वो मैं कह लूं फाई है, कितना है फाई है, क्लियर? ये तो ये फाई की वैल्यू इधर जाए तो कितना आ जाएगा, तो
सेंटर है ये, जो कि पूरा थीटा है, तो इतना होगा थीटा बाई टू, इतना भी होगा थीटा बाई टू, तो फाई हमारा इधर भी थीटा बाई टू जा रहा है और इधर भी थीटा बाई टू जा रहा है, यानी माइनस थीटा बाई टू से लेके प्लस थीटा बाई टू तक जा रहा है फाई। यानी फाई को अगर हम कहें कि अगर यहां एलिमेंट काटते हैं तो फाई है, यहां काटते तो जीरो होता, यहां काटते तो थीटा बाई टू होता, यहां काटते तो इधर थीटा बाई टू होता, यानी माइनस थीटा बाई टू से लेकर कहां तक जा रहा है, प्लस थीटा बाई टू तक। अगर मैं यहां से ले लेता तो उस हिसाब से लिमिट लेनी पड़ती। जी हाँ, तो यहां पर वेरिएबल क्या है, dx, जी है उसमें चार्ज dq, और क्या वेरिएबल है, फाई, क्योंकि फाई हमारा यहां से लेके यहां तक वैरी कर सकता है। आर हमारा इसकी रेडिया कांस्टेंट है, और कितना सेंटर पे एंगल बना रहा थीटा, वो भी कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां पे अगर dq चार्ज है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन आएगा, और dq चार्ज के कारण है तो d होगा। और मैंने आपको क्या समझाया था, पिछला वीडियो भी आप देख लीजिए, कि d एक पॉइंट चार्ज के कारण है, और यहां पर बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, तो हमें पूरे पॉइंट चार्ज के कारण अगर करना है तो इसी का क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज के कारण जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे उनको जोड़ लेना है। लेकिन जोड़ने का तरीका क्या होगा, चूंकि इनफाइनाइट चार्ज सिस्टम आएंगे, तो इनफाइनाइट चार्ज सिस्टम को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रल मेथड अपनाते हैं। जी हाँ, और डी में डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ये आ रहा है, तो हम इसके अगर कंपोनेंट बनाते हैं जी सेंटर पे, तो एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा, और ये कंपोनेंट ये आपका हो गया वाई डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट जो है इधर ले लेते हैं, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो ये आ गया डीई। जी हाँ, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। अभी देखा जाए कि अगर मैंने यहां पे सेक्शन काटा है तो ई डी इधर आया, जिसका एक कंपोनेंट नीचे और एक कंपोनेंट इधर, ठीक इसी के अगर हम मिरर इमेज ले लें, यहां अगर मिरर होता तो इसका यहां बनता सेक्शन, और यहां पे अगर होता तो ई इधर आ जाता, और ई आता इधर तो एक कंपोनेंट नीचे आता और एक कंपोनेंट इधर आता, जिसके ठीक अपोजिट। कहने का क्या मतलब है कि सेक्शन इधर काटा हूं कहीं भी, तो उसके ठीक मिरर इमेज पर अगर इधर काटूंगा तो ये वाला कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में जा रहा है मैं इसको डी वाई कर लूं, और जो यक्स डायरेक्शन में जा रहा है मैं इसको डी यक्स कर लूं, तो डी वाई तो सबका एक ही, सबका जो एक कंपोनेंट है इसी दिशा में आएगा, लेकिन इसके मिरर इमेज का जो यक्स कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा। जी हाँ, आप देखो ये लेता मैं, तो इधर ई आता डी आता, और डी का एक कंपोनेंट इधर आता और एक कंपोनेंट इधर, तो ठीक इसके मिरर इमेज का इसके बराबर होता और अपोजिट है तो कैंसिल जाता। कहने का क्या मतलब है कि यहां पर सेक्शन है जिसके मिरर इमेज यहां ले लो तो उसका डी या सीधा आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहीं और काटते तो फिर उसका भी मिरर इमेज लेते तो फिर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल जाता और वर्टिकल किधर आता, नीचे आता। यानी कि जो डी है हर एक सेक्शन का इधर इधर मिरर इमेज पे सेक्शन काटने पर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कह सकते हैं क्या कि अगर हम यहां पे ई निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, जी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहली बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ई एक्स लेना पड़ता है। ई एक्स मैंने क्या था, कैसे लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स, और सबके ई एक्स कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो एक का अपोजिट मिला, फिर दूसरा अगर यहां होता तो यहां होता, तो इसका यक्स इधर आता, इसका यक्स इधर आता, तो डी एक्स एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर उनका समेशन क्या मिल जाएगा, जीरो। लेकिन अगर मैं कहूं ई वाई कितना होगा तो ये जीरो नहीं होगा। अब कहेंगे ये क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, और सब जब एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इजिली जुड़ जाएंगे। और डी होगा कितना ये बता दो जरा, तो आपको पता है कि मैं यहां पे लिख रहा हूं ई वाई और डी ई वाई है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब चूंकि हर सेक्शन जो भी आप काटोगे ये दूरी भी आर होगी, यहां काटे तो भी आर होती, यहां भी काटे तो भी आर होता, इसका मतलब डी है तो डी क्यू चार्ज के कारण होगा, और सबका डिस्टेंस क्या रहेगा, आर ही रहेगा, आर यानी इस रिंग की रेडिया, तो मैं आर ले लूं तो क्या हो जाता है, डी ई इक्वल क्या हो जाता है, जी हाँ, डी इक्वल डी क्यू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और चूंकि वाई कंपोनेंट है और ये मैंने फाई लिया है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, फाई, तो
तो ये जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, डी ई जी डी कास फाई। क्यों कास फाई? जहां से एंगल बनता है वो कास फाई का कास कंपोनेंट होता है। जी हाँ, तो इस तरीके से मैं ये कह लूं कि ये वाला जो आपका साइन कंपोनेंट है वो कैंसिल हो गया, कास कंपोनेंट जुड़ रहा है। तो यहां पर क्या जाएगा, तो डी ई की जगह के डी क्यू अपन आर स्क्वायर, लेकिन वाई कंपोनेंट है तो वाई कंपोनेंट किसके बराबर है, कास फाई। ओके, और फाई की जो वैल्यू है वो यहां से लेके यहां तक जा रही, यानी माइनस थीटा, पूरा थीटा है तो इधर आधा थीटा बाई टू, इधर भी थीटा बाई टू, तो माइनस थीटा बाई टू से लेके प्लस थीटा बाई टू का, तो के कांस्टेंट है। जी हाँ, और डी क्यू इक्वल क्या होगा, तो लैम्डा इंटू डी एक्स। जी, पिछला वीडियो जरूर देख लें, अपॉन आर स्क्वायर आई इंटू कास फाई। अब देखो वेरिएबल क्या इसमें है, वेरिएबल इसमें केवल केवल है क्या, यहां पर कास फाई। जी हाँ, कास फाई वेरिएबल है, और कास फाई वेरिएबल है साथ में क्या वेरिएबल है, डीएक्स वेरिएबल है। जी हाँ, क्योंकि डीएक्स ये थिकनेस है, ज्यादा थिकनेस का काटते तो डीएक्स ज्यादा होता, यहां काटते फाई कुछ और होता, लेकिन के लैम्डा बाई आर स्क्वायर जो ई वाई कंपोनेंट निकल रहा है, के लैम्डा बाई आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, ये कास फाई डीएक्स है, तो कास फाई इक्वल क्या हो जाएगा, तो मुझे यहां पर पहले देखना है डीएक्स, ये चाप है और ये आपकी रेडिया है, तो ये आर्क और ये रेडिया और ये एंगल, आपको पता है कि यहां पर ये मैंने कॉमन ले लिया, और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जी हाँ, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडिया, ठीक है, तो आर्क क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडिया, तो डीएक्स जान सकते हैं एंगल इंटू रेडिया, एंगल कितना है तो मैंने बताया था आपको, कितने एंगल का ये मैंने काटा है, डी फाई, तो हो जाएगा एंगल इंटू रेडिया ही आर इंटू डी फाई, किसकी जगह पे, डीएक्स की जगह पे, और इंटू क्या है, कास फाई। ओके, बात समझ आ रही है, और यहां पे अगर मैं के लैम्डा को बाहर कर लूं अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर भी बाहर हो जाएगा और अंदर क्या मिलेगा, कास फाई डी फाई। क्या ये इंटीग्रेशन इजी है कि नहीं है, हाँ है, कास फाई का फाई के रिस्पेक्ट में आसानी से हो जाएगा, कास फाई का इंटीग्रेशन कितना होता बताओ भाई, साइन फाई, और ये फाई हमारा चेंज कहां होगा, तो मैंने पहले भी कहा था, जी हाँ, माइनस थीटा बाई टू से लेके कहां तक, प्लस थीटा बाई टू, तो ये माइनस थीटा बाई टू से लेके कहां तक चेंज हो रहा है, प्लस थीटा बाई टू तक, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर बचा, तो ई वाई जो आपका मिला के लैम्डा बाई आर, और कास फाई का हो जाएगा क्या, साइन फाई, और ये आपका थीटा बाई माइनस थीटा बाई टू से कितना, प्लस थीटा बाई टू। और आपको पता है कि के लैम्डा बाई आर एक बार अपर लिमिट साइन थीटा बाई टू, और एक बार माइनस करके लोअर लिमिट माइनस साइन थीटा बाई टू, और साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां आप देख रहे होंगे कि जो वाई कंपोनेंट मिल गया वो क्या मिल गया, के लैम्डा बाई आर, जी हाँ, और साइन थीटा बाई टू स्टैंडर्ड फार्मूला है, अब प्लस साइन थीटा बाई टू, अब यहां पे दोनों चूंकि एक ही है तो ऐड हो जाएंगे, तो y कंपोनेंट क्या हो गया, के लैम्डा बाई आर इंटू टू साइन थीटा बाई टू। ओके, ये फार्मूला हो गया। अब चूंकि मैंने कहा ये फार्मूला क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है ex कंपोनेंट क्या है, जीरो, जब कोई एक कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो रिजल्टेंट दूसरे कंपोनेंट के क्या हो जाएगा, बराबर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि E इक्वल क्या होता है, तो आपको पता है EX और EY दोनों बीच 90 एंगल है, तो EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, और एक कंपोनेंट चूंकि EX जीरो है अतः इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल क्या आ जाएगा, तो E इक्वल EY, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल क्या आ गया, के लैम्डा बाई आर टू साइन थीटा बाई टू, ये आ गया। अब लैम्डा क्या है, तो आपको पता है चार्ज डेंसिटी है, और क्या होता है, क्यू बाई एल, अगर मैं उसको लिखना चाहूं, जी हाँ, के लैम्डा के बाई आर है, लैम्डा की जगह क्यू बाई एल, जी एल क्या है, लेंथ है इसकी, इस रिंग की, आर रिंग की रेडिया है, क्यू के क्या है, कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट आपको पता है 9 10 पावर 9, हाँ, इन वैक्यूम आर एयर, और किसी और मीडियम में, जी आपको पता है 9 10 पावर 9 में क्या करेंगे, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर देंगे, इंटू टू साइन थीटा बाई टू,
और आपको पता ही है कितना एंगल बना रहा सेंटर पे, थीटा एंगल बना रहा था, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। स्टैंडर्ड केस है क्लियर, ये स्टैंडर्ड केस रहेगा, तो बाकी केस सब इसी से हो जाएंगे। क्या स्टैंडर्ड केस मैंने लिया, पहले मैंने लिया कि कहां मुझे निकालना है, सेंटर पे, जी या सेंटर पे निकालना है। अब रिंग कैसा है, रिंग पूरा है तो भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, रिंग अगर सेमी है तो भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, रिंग क्वाड्रेटिक है तब भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, रिंग में कोई भी एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी दिया हो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहां पर अप्लाई करेंगे, सेंटर पे, कहां पे, सेंटर पे अप्लाई करेंगे। क्लियर है ये, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा, क्या लगा, जब कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है तो आपको कहीं पे निकालना है, तो चूंकि पॉइंट चार्ज के कारण कूलम्ब ने फार्मूला दिया हुआ है, तो क्या करें, पहले एक सेक्शन काटा मैंने, वो सेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहा है डी, और चूंकि उसके दो कंपोनेंट होंगे ये और ये, और आपको पता है इधर सेक्शन काटे तो एक कंपोनेंट इधर आया, अगर इधर काटता तो इधर आता, यानी इधर वाले के हर एक कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट इधर काटने पर एक्स कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर वाले का एक्स कंपोनेंट इधर आएगा और इधर वाले का एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, लेकिन दोनों का वाई कंपोनेंट नीचे जाएगा, इसलिए एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके जोड़ने पर क्या मिला, जीरो। हाँ जीरो क्यों, क्योंकि सारे के एक दूसरे के अपोजिट है, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, जीरो। और वाई कंपोनेंट क्या मिलेगा, तो जो वाई कंपोनेंट मिलेगा वो आपका सभी डायरेक्शन में जुड़ जाएगा सीधे सीधे, तो के डी ई वाई की जगह के डी क्यू, और वाई कंपोनेंट किसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ फाइव माना गया तो ई फाइव होगा, तो डी कास फाइव, तो यहाँ पर कह सकते डी की वैल्यू के डी क्यू पर आर स्क्वायर कास फाइव, और यहाँ पर देखो डी क्यू क्या होगा, लैम्डा इनटू डी एक्स होगा, डी क्यू चार्ज कितने हैं, लैम्डा इनटू डी एक्स, क्योंकि क्यू चार्ज है एल लेंथ में, यूनिट चार्ज होगा, आपको पता है क्यू बाई एल में डी एक्स लेंथ में होगा, कितना चार्ज, तो क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, और क्यू बाई एल को लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा इनटू डी एक्स, और वही डी क्यू चार्ज माना गया है, क्योंकि यहाँ पर के लैम्डा बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर क्या डी एक्स वेरिएबल और फाइव वेरिएबल है, इन दोनों को एक, पहली बात तो दो वेरिएबल हो या तीन वेरिएबल हो सबको एक वेरिएबल में लाना होता है, तो डी एक्स हमारा क्या है, आर्क है, और ये रेडिया है और ये एंगल है, तो आपको पता है डीएक्स इक्वल क्या हो जाएगा, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, तो आर इंटू डी फाई, अब आपका आर कांस्टेंट बाहर कर लिया है कैंसिल होगा, कास फाई डी फाई, क्योंकि फाई हमारा इधर जाओ तो माइनस थीटा बाई टू, उधर जाओ तो प्लस थीटा बाई टू, कास फाई डी फाई हो गया, और कास फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन फाई बार अपर लिमिट और माइनस करके फिर लोअर लिमिट, साइन माइनस थीटा का होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, दोनों सेम है एड हो गए, ये हमारा मिल गया है वाई कंपोनेंट, क्योंकि ये कंपोनेंट जीरो है, अतः नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी कंपोनेंट के बराबर हो गया, यानी ये आ गया, और लैम्डा के टर्म में ठीक है, लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल, जाय एल क्या उसकी लेंथ है, अब पूरा अगर हो जाता तो ये लेंथ कितना हो जाता, टू पाई आर, क्या हो जाता, जी हाँ, सरगुम फेरेस परिध टू पाई आर, और आधा हो जाता तो टू पाई आर का हाफ, यानी पाई आर, और क्वाड्रेटिक हो जाता तो उसका हाफ, यानी पाई आर बाई टू, बात समझ में आ रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, कंडीशन इस पे देखेंगे, क्या देखेंगे, कंडीशंस, जी हाँ, मिटा दे इसको, वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लें, और जरूर जब भी कहीं दिक्कत हो फिर रिवर्स करके देखना चाहिए, और प्रॉब्लम उसके बाद भी रहे तो जरूर कमेंट करें, जी हाँ, बात समझिएगा, सेंटर पर ही निकाल रहे हैं अभी हम लोग, जी हाँ, रिंग के सेंटर पे, और रिंग कैसा है, तो रिंग स्टैंडर्ड केस मैंने ले लिया है कि वह सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा, जी हाँ, रिंग सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है, अब कंडीशन हम लोग देखते जाए, सेंटर पर निकालो है, पिछला हेडिंग ही है, कंडीशन फर्स्ट क्या है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखें, क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है सेंटर पे, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या आया है, यानी केंद्र पर, तो वो फार्मूला जो स्टैंडर्ड मिला है वो मिला इक्वल के लैंडा बाई आर टू साइन थीटा बाई टू। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं,
सेंटर पे कितना एंगल बना रहा था पूरा पूरा सेक्शन, थीटा एंगल। चार्ज डेंसिटी कितनी थी उसकी, लैम्डा। उसकी रेडिया कितनी थी आर। ये तो कांस्टेंट है 19 पावर 9। अब देखा जाए, या इसी को मैं ऐसे कर दूं कि के लैम्डा की जगह क्यू बाई एल, तो के क्यू आर एल, आर रेडिया एल लेंथ इंटू 2 sin θ/2। ये है जी। अब ये देखा जाए कि कंडीशंस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट की बात मैंने कहा कि ये पूरा पूरा रिंग है जी, कंप्लीट रिंग है। ऐसे समझ आता रही है। अब सेंटर पे आपको निकालना है, तो आपको पता है सेंटर पे अब ये पूरा पूरा एंगल कितना बनाएगा, तो कह सकते हैं कि फॉर कंप्लीट रिंग, फॉर कंप्लीट रिंग ये जो आपका थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 degree 60 degree। तो हम लोग कह सकते हैं क्या हो जाएगा, इक्वल के क्यू आर की जगह आर, और लेंथ भी कितना होगा, तो आर रेडिया है तो लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 2 pi r। ओके, और 2 sin पूरा पूरा क्या है, तो 360 upon 2। और साइन 360/2 यानी साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, तो साइन 180 की वैल्यू होती कितनी, 0। जैसे ये 0 हुआ तुरंत सब क्या हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या आ गया, 0 जी। कंप्लीट अगर रिंग रहता है तो उसके सेंटर पर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। कहां पर, सेंटर पे बता रहा हूं जी हाँ। समझो पहली बात, पूरा ये आपका स्टैंडर्ड केस था, और इस स्टैंडर्ड केस से हम लोग हर सेक्शन के लिए निकाल सकते हैं जी हाँ। तो रिंग का कंप्लीट है, कंप्लीट रिंग है, तो एंगल कितना बनेगा सेंटर पे जी, 360। तो इस फार्मूले में 360 रखा बटे 2 साइन 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। पूरा हो गया 0। क्लियर है ये। अब ये ध्यान, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में सेमी सर्कुलर के लिए ले रहा हूं, अर्धवृत्त के लिए, फॉर सेमी सर्कुलर। आप जानते ही हो सेमी सर्कुलर का मतलब जी, रिंग जो है ये आपका रिंग यहां पे है, ये मान लो रिंग है। अब ये आपका डायमीटर है, यहां से निकला हुआ है इस तरह का, क्लियर। ये सेंटर है ये आपका, तो ऐसा होगा तो कितना एंगल बनाएगा जरा बताओ, तो ये एंगल बनाएगा, यहां बन रहा था एंगल ऊपर 180 नीचे 180, यहां यहां से यहां तक, यानी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है सबको पता है यहां एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो के क्यू, अब ये मैं कह लू आर इसकी रेडिया, और इसकी लेंथ कितनी होगी, तो पूरा होता तो 2 pi r उसका आधा, तो 2 pi r upon 2, और साइन 360/2 नहीं अब 180, क्योंकि सेमी सर्कुलर सेंटर पे 180 बनाएगा, साइन 90, ये 2 से 2 कट गया, क्लियर। ये तो क्या मिल गया जरा देखो, तो के क्यू अपॉन 2 pi r जी, के क्यू वैल्यू 19 पावर 9, क्यू चार्ज है, क्लियर। ये और ये 2 pi r यहां से 2 कैंसिल किया हूं जी, 2 pi r upon 2, यहां क्या जाएगा आपका, ये कैसे आया है जरा बताओ, तो यहां पर जो लेंथ है वो 2 pi r पर सर्कमफेरेंस होता है, उसका आधा वर्ग 2 से 2 कट गया, ये आपका क्या है r, r r मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ओके, और साइन 90 की वैल्यू 1, यानी क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बताओ, तो जब सेमी सर्कुलर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या मिल जाएगा, के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू जरा बताओ तो 9 10 पावर 9, क्लियर। ये और कंडीशन मैंने थर्ड ले लिया, क्या ले लिया कंडीशन थर्ड, कि अगर ये रिंग है इसको मैं 4 भागों में अगर डिवाइड कर दूं और रिंग का इतना ही भाग अगर रह जाए,
समझ आ रही है? इतना है। ये सेंटर है, एंगल कितना बन रहा है 90, तो थीटा कितना 90 रेडियन मैंने आर ही लिया है और लेंथ वही क्या एल ही यानी कि 2 पाई आर। जी हाँ, का क्या हो जाएगा 2 पाई आर का 1/4 हो जाएगा। तो इक्वल फार्मूले में क्या रखें, के क्यू आर और लेंथ की जगह पूरा हो तब 2 पाई आर उसका 1/4 है, 2 पाई आर 1/4 और 2 साइन 90 बाई 2 यानी साइन 45। यहां पहले देख लेते हैं, ये आपका 4 ऊपर गया, 4 के क्यू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 और साइन 90 बाई 2 यानी साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यार ये यहां रूट टू से 4 भाग करेंगे, 2 × 2 यानी √2 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये आपका, क्या मैंने आपको समझा दिया? जी हाँ, अगर कहीं भी रिंग में चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं भी अगर रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो उसके सेंटर पर अगर मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्टैंडर्ड केस हम लोग क्या दिमाग में रखेंगे, के लैम्डा बाई आर 2 साइन थीटा बाई 2। जी हाँ, या के क्यू बाई आर एल, लैम्डा यानी क्यू बाई एल, 2 साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या है, जितना वो सेंटर पर एंगल बना रहा है रिंग सिस्टम, और क्योंकि रिंग कंप्लीट भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक यानी चौथाई भी हो सकता है, और किसी 30 डिग्री 60 डिग्री का भी हो सकता है। अगर मान लो इतना ही भाग 30 से बना रहा है, तो यहाँ थीटा की 30 कर देंगे, है कि नहीं है। सेंटर पर जो बनाएगा वो है, और यह उसकी लेंथ है और उसकी रेडिया, रेडिया और लेंथ में रिलेशन भी निकाला जा सकता है अगर कहीं कोई गिवन है कुछ। जैसे अगर पूरा कंप्लीट रिंग है तो लेंथ हो जाता 2 पाई आर, सेमी सर्कुलर है तो 2 पाई आर का आधा, क्वाड्रेटिक है तो 2 पाई आर का 1/4। तो कंप्लीट रिंग के लिए क्या होगा, सेंटर पर ही हम लोग निकाल रहे हैं। जी हां, कहां पे निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर, ठीक है, और किसके कारण, ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग चार्ज, क्लियर है ये। तो थीटा कितना बनाएगा 360 कंप्लीट रिंग है तो यहां पर, और एल कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, तो 360 रखा 2 थीटा जगह पे 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, पूरा पूरा गया 0। यानी जब भी कंप्लीट सिस्टम होगा, क्योंकि आपको पता है सिमेट्री है, ऊपर वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इधर, इधर अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई कंपोनेंट नीचे, एक्स कंपोनेंट इधर, और नीचे वही कर लेते हैं तो इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो इधर जाएगा, वाई कंपोनेंट ऊपर, तो वाई कंपोनेंट भी कैंसिल होता जाएगा और एक्स कंपोनेंट भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, सेंटर पर 0 मिलेगा। लेकिन अगर ये है तो x कंपोनेंट क्या कैंसिल होगा, वाई नहीं होगा, कितना हो जाएगा तो के क्यू अपॉन आर, चूंकि ये 2 है, 2 पाई आर का आधा, और रिंग सेंटर पे कितना बना रहा, क्योंकि हाफ है तो 180 बनाएगा, 180 बाई 2 यानी साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कितना आ गया के क्यू बटा पाई आर स्क्वायर। और कंडीशन थर्ड किसके लिए है, क्वाड्रेटिक रिंग यानी 1/4 अगर हो जाए तो कितना एंगल बनाएगा 90, क्योंकि ये कभी 1/4 करेगा तो एंगल नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है 90 बनाएगा। तो के क्यू और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तो पूरा होता है 2 पाई आर 1/4, 2 पाई आर 4, 2 साइन 90 अपॉन 2, साइन 90 अपॉन 2 यानी साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब यहां से देखो तो ये आपका 4 ऊपर चला गया, 4 के क्यू, नीचे 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, ये कट गया 2 से 2, 4 के क्यू, यहां से अगर डिवाइड करते 2√2, के कॉन्स्टेंट वही 10^9, क्यू चार्ज इस रिंग में और इसकी रेडिया कितनी है आर है, तो 2√2 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर 1/4 के कारण। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है। तो कहां पर हम लोग निकाल चुके हैं, सेंटर पे निकाल चुके हैं। अब सेंटर पे निकालने के बाद हम लोग कहां निकालने वाले, एक्सिस पे। जी हाँ, केस सेकंड रिंग के कारण है। जी हाँ जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड का मतलब कि रिंग के सेंटर पे ना निकाल के सेंटर से होकर जाने वाले एक्सिस पे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उस पे निकालते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास ये रिंग है, मान लीजिए अब ये रिंग है, तो इस रिंग में पूरा सर्कुलर रिंग है। जी हाँ, और सर्कुलर रिंग के सेंटर पे हम लोग निकाले, सर्कुलर रिंग कंप्लीट हो तो 0 हो जाता है, हाफ हो तो कुछ निकला वैल्यू, क्वाड्रेटिक हो तो कुछ और हो, किसी भी एंगल पे हो, 30 डिग्री एंगल सेंटर बना रहा हो, इतना ही अगर तोड़ दें, और ये बना रहा हो मान लीजिए कि 60 डिग्री, तो थीटा की जगह हम लोग क्या रख देंगे 60। क्लियर, बात समझ आ रही है।
लैम्डा दिया हो तो लैम्डा टर्म में आर के टर्म में रखेंगे जी, या क्यू दिया हो यल दिया हो, ये कितना लेंथ है आर है, तो इस यल में और आर में थीटा से रिलेशन निकाला जा सकता है। कैसे? कोण बराबर 4/3 से। अभी ध्यान दीजिएगा क्या कि अगर ये रिंग है, अब सेंटर पे हम लोग खाक कैसे निकाल लिए, एक्सिस पे निकाले, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो एक्सिस पे अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? जी हाँ, एक्सिस पे निकालना। कहाँ निकालना है? एक्सिस पे। क्लियरली जी, इसे ऐसे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटी आप देखोगे तो सेम जाता है, और ये सारी चीजें पूछी जाती हैं जी बोर्ड में, जी बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी, इनके बिना बोर्ड कंप्लीट नहीं होता जी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग निकालने वाले हैं एक्सिस पे। जी हाँ, अब ये काम तो यही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग या यूनिफॉर्म रिंग चार्ज। क्लियर है ये? तो हम लोग निकालने वाले इसी के लिए हैं, एक समान आवेशित बल या छल्ले के कारण ही निकालने वाले हैं। लेकिन केस फर्स्ट कहां निकाला गया था? केस फर्स्ट निकाला गया था सेंटर पे। कहां पर? सेंटर पर जी। अब कहां निकालेंगे हम लोग जी? अब निकालेंगे उसके एक्सिस में, वहां से भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलेगा, वहां से भी एक्सिस सेंटर पे निकाला जा सकता है। तो क्या निकाल रहे हैं? एक वही हेडिंग है, एक समान रूप से आवेशित वलय, वलय बोलते रिंग को, वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर ये? पास हो जा रही है। लेकिन अब यहां पे हम लोग केस सेकंड करने वाले हैं। अब कहेंगे केस सेकंड क्या है? केस सेकंड जी, केस सेकंड है कि एक्सिस पर है कि नहीं, एट सेंटर पे नहीं, एक्सिस यानी पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है, वो कहां पर है? रिंग के एक्सिस पर। अब रिंग को मैं ऐसे अगर दिखाऊं तो एक सीधा आ जाएगा, और इधर पॉइंट दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं रिंग को ऐसे दिखा दे रहा हूं। ओके, ये आपका रिंग है। हाँ, यूनिफॉर्मली है, हेडिंग में देखो क्या पड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म समझ गए तो नॉन यूनिफॉर्म समझने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी जी। इसमें लैम्डा कॉन्स्टेंट होता है, उसमें लैम्डा वेरिएबल होता है, वो एकदम एक सेकंड में समझ आएगा। ये रिंग है, इस रिंग की रेडिया मैं ले लूं, ये रिंग की रेडिया हो गई और ये रिंग की रेडिया हो गई आर, कितनी हो गई आर। क्लियर जी? और ये हमारा एक्सिस है जी। हाँ, सेंटर पे ऐसे 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 रिंग है जी, और ये आपका एक्सिस है। इस एक्सिस पे मैंने ये पॉइंट ले लिया, कितनी दूरी पे? तो कहेगा ना कि इतनी दूरी पर बताओ, तो यानी जहां जहां बताएगा वहां के लिए एक्स क्या होगा? फिक्स होगा जी। जहां कहेगा, जिस पॉइंट पे कहेगा वहां के लिए एक्स क्या होगा? फिक्स होगा। और वहां पर अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि चार्ज हमारा इस पूरे रिंग में है, ऐसे रिंग है और एक्सिस पे एक पॉइंट है, एक छोटा सा मैंने यहाँ सेक्शन काटा है जिसकी लेंथ कितनी है dx, और इस dx लेंथ में चार्ज कितना है dq, और ये dq किसके बराबर होगा? लैम्डा इनटू dx। जी हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर q चार्ज, ये पूरे लेंथ में कितना चार्ज है? q चार्ज है, और इसकी लेंथ मान लें l है, तो यहाँ पर देखो ये रेडिया चूंकि r है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2πr। और यहाँ पॉइंट मैंने कोई P ले लिया, जहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो समझो एक छोटा सा एलिमेंट काटा जिसमें dx इसकी लेंथ है, जिसमें dq चार्ज है, इस dq चार्ज के कारण अगर यहाँ पर हम लोग निकालते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये यही तो आएगा, यही तो आएगा dE। अब d चूंकि हमारा ना x में ना y में है, तो इस dE के हम लोग दो कंपोनेंट ले सकते हैं, दो कंपोनेंट ले सकते हैं, कौन कौन सा? जाहिर सी बात है कि ये आपका थीटा एंगल, ये भी थीटा ले लें क्योंकि ये x डायरेक्शन में जा रहा था, डी x कंपोनेंट ले लें, और ये आपका उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ये हम डी y कंपोनेंट ले लें। अब चूंकि ये देख लो कि
कि जहां से थीटा एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट हो जाता है, कॉस कंपोनेंट, ये हो गया डी कॉस थीटा, जी हाँ। और ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो गया जी, डी साइन थीटा, ये आपको सबको पता है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम हमारा जो सिस्टम होता है वो कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है, तो एक पॉइंट चार्ज पहले बनाया, अब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डी लिया, डी के दो कंपोनेंट लिए डी एक्स और डी वाई। अब यहाँ पर अगर हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना है, जी हाँ, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है डीई एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना होगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, क्लियर है ये। अब ये देखा जाए कि डी कॉस थीटा, अब आप देखो डी कितना होगा, चूंकि डी क्यू चार्ज के कारण है, तो हम लोग कह सकते हैं कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा। अब सोचो इसमें के भी कॉस है, हाँ। अब यहां से पी पॉइंट के पर ये डिस्टेंस आ है, तभी तो ये लिया गया है कि यहां से डी क्यू की पॉइंट पी से डिस्टेंस कितनी आर, तो जब भी कोई पॉइंट कहेंगे पॉइंट यहाँ है तो आर भी कांस्टेंट होगा, पॉइंट यहाँ कहेंगे तो आर बढ़ जाएगा, जी हाँ, पॉइंट के लिए आर कांस्टेंट होगा, और जो एंगल बनाएगा वो भी कांस्टेंट होगा, और एक्स भी हमारा कांस्टेंट है, तो चाहे हम आर के टर्म में लिखे, चाहे थीटा टर्म में लिखे, चाहे एक्स टर्म, कोई एक टर्म होना चाहिए, लेकिन के कांस्टेंट, डी क्यू हमारा कांस्टेंट नहीं, क्योंकि बड़ा सेक्शन काटते तो डी क्यू ज्यादा होता, छोटा सेक्शन काटते डी क्यू कम होता, तो क्या करें हम लोग, जो कांस्टेंट बाहर करें, तो एक्स जो मिलेगा के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू हो गया। अब कह लें कि ये आपका डी क्यू, अगर हम लोग डी क्यू छोटे से पार्ट के कारण है, अगर पूरे रिंग के कारण कहें तो उसके लिए यहां से अगर आर है तो यहां से भी आर होगा, यहां से भी आर होगा, यहां से भी आर होगा, इसलिए तो आर कांस्टेंट कर लिया, और यहां से थीटा बना रहा तो यहां से भी एंगल थीटा ही बनेगा, यहां से भी एक्सिस पे एंगल थीटा ही बनेगा, थीटा भी कांस्टेंट तो कॉस थीटा भी कांस्टेंट, और के हमारा 9 10 पावर 9 वो तो कांस्टेंट होता ही है, तो कह ले कि जो एक्स मिला वो कितना मिला, तो के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जी हाँ, और डी क्यू डी क्यू को अगर हम जोड़ते जाए तो पूरा हमें मिल जाएगा क्यू चार्ज, क्योंकि इस पूरे रिंग में डी क्यू यहाँ भी डी क्यू यहाँ भी डी क्यू यहाँ भी, तो पूरा जोड़ते जोड़ते क्या हो जाएगा क्यू, तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन मतलब समेशन, तो ये हो गया क्यू आपका, क्लियर है ये। अब कह ले कि इसको हम चूंकि थीटा और आर दोनों को एक्स के टर्म में ले आ रहे हैं, क्योंकि सेंटर से एक्सिस की दूरी दिया, पॉइंट की दूरी दिया रहता है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, तो के हमारा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है एयर या वैक्यूम में 9 10 पावर 9, और कॉस थीटा आधार बटे का, जी हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एक्स अपॉन आर, ये हो गया, और नीचे भी आर है चुकी, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, तो एक्स जो कंपोनेंट होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर क्यू, अब आर को भी हम लोग किसके टर्म में लिख चले हैं, तो एक्स के टर्म में, के क्यू एक्स अपॉन, अब आर को हम एक्स के टर्म में कैसे लाएंगे, तो ये आप देखो ये आपका ट्रायंगल है, जी राइट ट्रायंगल है, तो ये जिसका बेस है ये नॉर्मल है और ये हाइपोटेनस है, आधार लंब और कर्ण, तो आपको पता है ये कर्ण क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसमें रूट में, जी हाँ, हाइपोटेनस इक्वल रूट नॉर्मल का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पावर आपका कितना है 3, यहां से अगर हम लोग करें तो के क्यू एक्स रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट हो गया। के आपको पता है के क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 10 पावर 9, क्यू क्या है इस रिंग में पूरा पूरा चार्ज है, और आर क्या इस रिंग की रेडिया है, ये 3 चीज, और एक्स क्या है वो पॉइंट है सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये मिल गया हमें एक्स कंपोनेंट। अब कहेंगे इसी तरह से हमें वाई कंपोनेंट भी चाहिए, तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा जरा बताओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई वाई, अब सोचो डी वाई मतलब डी साइन थीटा, अब ये क्या होगा जुड़कर, क्या इसको जोड़ा जाए, तो आपको बता दें कि ये कंपोनेंट जुड़कर जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे क्यों जीरो हो जाएगा, तो यहां पर अगर मैंने कंपोनेंट लिया है, यहां पर अगर मैंने सेक्शन काटा है, तो उसका डी वाई कंपोनेंट नीचे है, और ठीक इसके अपोजिट में काट लेता यहां पर, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये जाता, लेकिन इसका एक्स कंपोनेंट तो इधर ही आता, लेकिन वाई कंपोनेंट ऊपर,
तो ऊपर वाली नीचे वाली से क्या होता, कैंसिल हो जाता। वैसे अगर यहां पे लेता सेक्शन काटता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ऐसे जाता, जी हाँ, और ठीक इसके 180 यहां पे लेता तो ऐसे जाता, तो दोनों का फिर वाई कंपोनेंट कैसे होता है, यानी हर एक पॉइंट का जब 180 पे ठीक अपोजिट वाला लेंगे, यानी कि मिरर पॉइंट लेंगे, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो सबका एक्स कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, लेकिन सबका वाई कंपोनेंट दूसरे के क्या आ जाएगा, अपोजिट। तो जब सबका अपोजिट आएगा उनका समोशन समेशन क्या हो जाएगा, उनका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स कंपोनेंट मिल रहा है इतना, वाई कंपोनेंट मिल रहा है इतना। और आपको जब पता है कि जब एक कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जी, जब एक कंपोनेंट जीरो हो जाता है तो दूसरा कंपोनेंट नेट के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर अब प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। और एक्स कंपोनेंट आपको कितना था, जी हाँ, जो भी रहा हो तो पहले यहां देख लें, एक्स का स्क्वायर प्लस जीरो, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया एक्स के ऊपर, क्लियर है। और एक्स की वैल्यू कितनी थी, तो वो थी ये, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये हो गया एक्सिस पर, जी हाँ, ये मिल गया एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जी हाँ। के क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है, 9×10⁹, क्लियर है। और क्यू क्या है, इस रिंग में चार्ज है, और एक्स क्या है, सेंटर से उसकी दूरी इस पॉइंट की, और कह सकते आर क्या, इसकी रेडिया है, तो रिंग की रेडिया पता रहे, किस पॉइंट पर निकाला उस पॉइंट की दूरी पता रहे, रिंग में कितना चार्ज क्यू पता रहे, तो निकल जाएगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। ये आपका इसका एक्स कंपोनेंट, और ये आ रहा है क्या आपका वाई कंपोनेंट, यानी वाई कंपोनेंट क्यों जीरो किया गया है, क्योंकि तो हर एक प्लेन पॉइंट पर जब भी आप मिरर पॉइंट लोगे, यहाँ का यहाँ लोगे, तो एक्स कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में आएगा, लेकिन वाई कंपोनेंट दूसरे के अपोजिट आएगा, इसलिए जीरो हुआ है, क्लियर है ये। तो आपको के सेकंड समझ में आ रहा है कि एक्सिस पर निकला। अब इसमें आप देखो बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है, जी हाँ, आप ये देख लो कि सेंटर से एक्स दूरी पर, सेंटर पे कितना होता है, पीछे बताया हुआ, इससे भी प्रूव कर दूंगा, तो सेंटर पे कितना होता है, जीरो होता, सबको पता है, लेकिन सेंटर से एक्स दूरी, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, जी हाँ, अगर इधर लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन आ रहा है, देखो अगर ये आपका एक्सिस है, यहां पे अगर पॉइंट लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन आ रहा है, जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन आ रहा है, एक्सिस की तरफ ही आ रहा है, और इधर पॉइंट ले लिए होते तो इधर आता, जी हाँ, यानी ये आपका एक्सिस हो गया, तो इस एक्सिस पर अगर हम पॉइंट इधर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और इधर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, क्लियर है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा एक्स दूरी पर, तो के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्या किया गया है, क्योंकि ये आपका क्या है, पूरी तरह से कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है, तो हमने एक छोटा सा कंपोनेंट काटा जिसमें की लेंथ dx थी, उसमें dq चार्ज था, dq चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर निकाला, जो ये डायरेक्शन है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो dx का अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ex मिलेगा, और dy का करेंगे तो आपको ey मिलेगा। ex का करने के लिए आप देखें dx का इंटीग्रेशन किया गया, क्योंकि d cos थीटा के इक्वल है, d कितना होता है, तो k dq / r स्क्वायर cos थीटा, क्योंकि पॉइंट p कहीं भी होगा उसकी ये दूरी भी कांस्टेंट होगी, कितना एंगल बनाएगा भी, और यहां से जो दूरी r है वो भी कांस्टेंट होगा, तो k किसी पॉइंट के लिए r और थीटा कांस्टेंट बाहर किया, dq का इंटीग्रेशन करेंगे, dq dq पूरा पूरा ये जुड़ते 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 जुड़ते, क्योंकि यहां भी dq लिया तब भी दूरी r है, यहां लेते तब भी वो पॉइंट के लिए r ही रहता, यहां ले लेते अगर सेक्शन तो भी उस पॉइंट के लिए दूरी r ही रहता, तो ये सब कांस्टेंट है, dq dq जुड़ते जो q हो जाएगा, cos थीटा इक्वल x / r, यहां से देख लो, और ये r है तो r क्यूब हो गया, और ये आपको मिल गया क्या, r की वैल्यू कितनी, तो ये आपके रेडिया टर्म में ला रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, रेडिया और x के टर्म में, तो ये हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर आर की जगह पावर क्या, क्यूब है, क्योंकि रूट का पावर 1/2 होता है, तो हो गया होल पावर 3/2, ये आपका ex, और ey इक्वल क्या होगा, जब dy का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि dy अगर यहां सेक्शन काटा है तो नीचे आया, ठीक इसके मिरर पॉइंट पे काटते तो ऊपर जाता, इसलिए घट के जीरो, तो ऐसे अगर यहां पॉइंट काटते तो dy जो डायरेक्शन होता मिरर पॉइंट पे, फिर उसके अब dE,
निकलता है उसका जो डायरेक्शन होता है y कंपोनेंट फिर घट के जीरो हो जाता है, इसलिए y क्या मिल गया जीरो। और जब x कंपोनेंट जीरो हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे कंपोनेंट से बराबर हो जाता है, कितना आ गया kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2। ये रहिए इस फार्मूले को हम लोग नोट करते हैं और इसमें और भी कंडीशन देखते हैं जी। जो फार्मूला मिला वो क्या मिला था, एक्सिस पर इस पॉइंट पी पर के कांस्टेंट वैल्यू 9 × 10⁹, क्यू यक्स अपान आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला कहां पर, उस पॉइंट पर जिसकी सेंटर से दूरी कितनी है, यक्स है। क्लियर है ये। अब देखो इससे हम लोग सेंटर पर भी निकाल सकते हैं, एक्स सेंटर जी, सेंटर पे अगर कहेंगे तो धीरे धीरे हम इधर आएंगे और इधर आएंगे तो बता दो क्या हो जाएगा, यक्स जीरो हो जाएगा। सबको पता है सेंटर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि यहाँ यक्स कंपोनेंट भी कैंसिल जाता है और उसके मिरर पॉइंट पर कोई भी ले लोगे उससे वाई कंपोनेंट भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये पिछले वीडियो में बताया था। अच्छा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, जीरो। जीरो अगर हो रहा है तो यक्स अगर जीरो हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, तो के क्यू इंटू जीरो अपॉन आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, यक्स यहां पे जीरो, तो पूरा वैल्यू क्या आ गया, जीरो। हाँ, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। अगर मैं कहूं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, वहां समझ रखिएगा, धीरे धीरे यहां पे जीरो है, धीरे 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 आगे गए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के क्यू यक्स अपन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2। यक्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, नहीं, एक समय ऐसा यक्स आएगा कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कहां पर, इनफाइनाइट पॉइंट पर, जी हाँ। लेकिन अगर यक्स बहुत ज्यादा हो जाए किसकी तुलना में, इस आर की तुलना में, तब क्या होगा। तो यहां पर मैं कंडीशन फर्स्ट ले लिया सेंटर पे, कंडीशन सेकेंड ले लेते हैं, कंडीशन सेकेंड क्या ले लें, कंडीशन सेकेंड कि यक्स इक्वल वेरी वेरी ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, जी हाँ, जो पॉइंट है वो बहुत दूर है आई से, रेडिया से इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जरा देखो तो ई इक्वल हो जाएगा के क्यू, यक्स की जगह पे यक्स ही लिखेंगे क्योंकि यक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पे देखो आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर पावर 3/2 है ना, जब यक्स बहुत ज्यादा है तो यक्स स्क्वायर में आर स्क्वायर को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब यक्स स्क्वायर ही मिलेगा। तो यहां पर कह सकते हैं क्या, E इक्वल क्या हो जाएगा, तो के क्यू यक्स अपान, यहां इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल यक्स स्क्वायर, और पावर क्या है 3/2। क्यों ऐसा मैंने कर दिया, क्योंकि तो यक्स बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में, आर की तुलना में, तब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जब ध्यान दो तो के क्यू यक्स स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, यक्स क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मिल गया कितना, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यक्स से यक्स कैंसिल हो गया अपान यक्स स्क्वायर, जी हाँ, ये तो पूरा पूरा पॉइंट चार्ज के बराबर आ गया जी, वही फार्मूला आ गया, के क्यू अपान आर स्क्वायर, दूरी कितनी है यक्स, कब ऐसा लगा, जब ये आपका रिंग है और ये रेडिया इसकी है और यक्स मैंने बहुत दूर ले लिया, जब बहुत दूर पॉइंट चला जाएगा तो इसके लिए रिंग नहीं रह जाएगा, ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा, यहाँ बहुत दूर से अगर हम रिंग को देखेंगे तो एक पॉइंट के रूप में दिखेगा, तो जब पॉइंट चार्ज के रूप में जाएगा तो फार्मूला हमारा वही काम करेगा, क्या के क्यू अपान यक्स स्क्वायर है, क्लियर। तो ये पॉइंट चार्ज जाएगा के क्यू अपान यक्स स्क्वायर, के क्या है 9 × 10⁹, क्यू इसमें रिंग में चार्ज और यक्स क्या सेंटर से उसकी दूरी, लेकिन ऐसे बढ़ते जाए हमारा ई घटता जाएगा, और कंडीशन थर्ड दे रहे हैं, तो कंडीशन थर्ड देखिए जरा क्या आ गया, कंडीशन थर्ड में अगर मैं कह लूं कि यक्स बढ़ते 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 यक्स ट्रेंड कर गया कहां तक, इनफाइनाइट को, तो एक ट्रेंड कर गया इनफाइनाइट को, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे कि ये फार्मूला, तो चूंकि यक्स जब बहुत ज्यादा होगा तभी तो इनफाइनाइट पे जाएगा, तो बहुत दूर के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, तो ई इक्वल क्या हो गया के क्यू अपॉन इनफाइनाइट,
और इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा, जीरो, यानी तब क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो क्या क्या मिल रहा है, मिल क्या रहा है कि अगर हम ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और इसके एक्सिस पे पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो क्या रहा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। लेकिन अब आप सेंटर पे चले जाओ, कहाँ चले जाओ, सेंटर पे। तो सेंटर पे जैसे एक्स पे कुछ निकला, सेंटर की ओर आ रहे हो, सेंटर पे क्या आ गया, जीरो आ गया, सेंटर पे जीरो। यक्स पर ये बहुत दूर अगर हो गया, यक्स बहुत ज्यादा हो गया, इस रेडिया आर से बहुत ज्यादा हो गया, तो उस केस में हमारा ई कितना मिल जाएगा, के क्यू अपॉन आर एक्स स्क्वायर, और तब ये पॉइंट चार्ज के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अगर यक्स इनफाइनाइट हो जाए तो हमारा ई कितना हो जाएगा, जीरो। यानी दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो मिल रहा है, कहां सेंटर पे और एक कहां मिल रहा है, कह सकते हैं क्या, इन्फिनिटी पर। तो जीरो से फिर बढ़ रहा होगा कहीं, और फिर घटते घटते फिर क्या हो जा रहा, जीरो। यानी जीर सेंटर पे जीरो है, फिर जाने पे बढ़ रहा होगा, और इसके बाद फिर घट रहा होगा, और इनफाइनाइट पे क्या हो जा रहा होगा, जीरो। तो किस पॉइंट पर, बात यह आ रही है कि सेंटर पे, इधर भी अगर पॉइंट ले ले तो सेंटर पे क्या, जीरो। इधर जाने पे बढ़ रहा होगा मैक्सिमम होगा, कहीं मैक्सिमम होगा, फिर घट रहा होगा, घट रहा होगा, घट रहा होगा, घट रहा होगा, और इनफाइनाइट पे जाने पे क्या हो जा रहा होगा, जीरो। क्लियर है ये? तो आपको पता है कि अगर रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। उसके यक्स पॉइंट पर, यक्स बहुत ज्यादा नहीं है आर की तुलना में, तो कितना होगा, के क्यू यक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का होल पावर 3/2। लेकिन अगर वही यक्स बहुत ज्यादा हो गया आर के कंपेयर में, तब क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन यक्स स्क्वायर, और यक्स बढ़ते 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 इन्फिनिटी पे चला गया, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो, चाहे इधर बढ़ो चाहे इधर बढ़ो, बात एक ही है। अगर बढ़ते 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 हम जा रहे हैं, तो यक्स बढ़ रहा है तो ई बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है, ई बढ़ कहीं मैक्सिमम होगा, फिर उस मैक्सिमम के बाद फिर बढ़ेंगे तो ई घटने लगेगा, जी हाँ, और इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे इधर भी सेंटर पे क्या है, जीरो, एक्स इधर जा रहा है, एक्स बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, कहीं मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर अगर आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका ये मिला। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है सर कि कहां पर मैक्सिमम होगा, इसके लिए हम मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल फार्मूला लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमा का। जी हाँ, मैक्सिमम कहां पर होगा, ये तो पहला सेंटर पे जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो, उनके बीच में कहीं मैक्सिमम, यानी बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर घटते 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 जीरो। तो कहां पर जीरो हो जाएगा वो पता है, लेकिन मैक्सिमम कहां होगा वो नहीं पता। ये क्लियर है, ये कंडीशन क्लियर है, सेंटर पे जीरो, यक्स पॉइंट पर ये, यक्स बहुत ज्यादा है तो ये, और इन्फिनिटी पे क्या हो गया, जीरो। बात समझ में आ रही है? तो अब आते हैं हम लोग कहां पर, जी अब आते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मैक्सिमम होगा, जो फार्मूला है वो क्या है, इक्वल के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। कहां पर मैक्सिमम होगा, एक्स ऊपर भी है, चूंकि एक्स बढ़ाओ, एक्स बढ़ रहा नीचे जो है घट रहा है, तो एक्स नीचे बढ़ रहा है तो ई की वैल्यू घट रही है, ऊपर वाला बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ रही है। ऐसा कंडीशन है कि बिना हम लोग डिफरेंशियल के इसको चेक नहीं कर सकते कहां पर मैक्सिमम होगा। तो कह सकते हैं फॉर ई मैक्सिमम, ई की वैल्यू मैक्सिमम हो किसके हिसाब से, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, केवल एक्स बदल रहा है तो ई बदल रहा है, के की वैल्यू 9×10⁻, क्यू इसमें जो चार्ज है और आर इसकी रेडिया, तो एक्स बदल रहा है तो ई बदल रहा है। तो हम क्या करें, E का डिफरेंशियल कर लें किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के रिस्पेक्ट में, और ये डिफरेंशियल की वैल्यू क्या रखना है, जीरो। हाँ, E मैक्सिमा के लिए d/dx इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये सोचो इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, तो मैं आपको समझा दूं कि जब यहाँ पे अगर मान लो यक्स के टर्म में किसी का हम लोग डिफरेंशियल कर रहे हैं, और जिसका डिफरेंशियल कर रहे हैं वो आपका क्या है, वो मान लें कि a/b है, जी हाँ, ऐसे। तो पहले क्या करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे, b को छोड़ देंगे, a का करेंगे डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर हम यहां पर देखो a को छोड़ेंगे, जी हाँ, b का करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या, डिफरेंशियल, और नीचे क्या b, उस b का क्या कर देंगे, स्क्वायर। क्लियर, ये इतनी बात में बैठेंगे। तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, यही वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहां पर जब करेंगे तो यहां पर देखिएगा, डी ई
बाय डी एक्स लिखिए। तो डी बाय डी एक्स का मतलब हो गया डी बाय डी एक्स, और ई की वैल्यू है के क्यू यक्स अपान आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। अच्छे समझेंगे, कहीं प्रॉब्लम होगी जरूर उसको व्हाट्सएप कर देंगे कि ये प्रॉब्लम है। के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट मिला डी बाई डी एक्स यक्स अपान आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब देखो ये हम ए की जगह ले लिए और ये बी की जगह। बायो वाले अच्छी तरीके समझे, मैथ वाले तो उनको आता है डिफरेंशियल, नहीं आता हो तो जरूर लिख उसको व्हाट्सएप करिए। जनरल डिफरेंशियल और इंटीग्रल का एक जरूर लेक्चर कर दूंगा जिससे आप लोगों को जनरल डिफरेंशियल और जनरल इंटीग्रल जरूर आ जाएगी, बहुत जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। तो यक्स अपान ये ए है और ये बी है, तो पहले हम क्या करेंगे बी को छोड़ दिया, जी हाँ ए का डिफरेंशियल ये हो गया माइनस ए को छोड़ दिया बी का डिफरेंशियल और नीचे बी का होल स्क्वायर, तो पावर 3/2 था इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आप सोचो कि यहां पर तो ये आपको छोड़ना ही, ये के क्यू जरूर ले लें क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल डिफरेंशियल हुआ नहीं है, के क्यू ये है। अब ध्यान दीजिएगा, और ये मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या है जीरो है, हाँ तभी तो निकलेगा एक्स की वैल्यू कि कहां पर ई मैक्सिमम हो रहा है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा पावर 3/2 है, ये एक हो जाएगा माइनस, यहां ध्यान देंगे एक्स क्योंकि यहां पे आर कांस्टेंट ये है लेकिन पूरा वैल्यू बदलेगा एक्स की वजह से, तो पावर को पहले कर लिया फिर पावर में से एक घटा दिया, 3/2 में से घटेगा कितना बचेगा भाई 1/2, और फिर अंदर वाले का करेंगे तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि रिंग की रेडियस तो बदलेगी नहीं तो जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि पावर पहले आएगा पावर में से घटेगा तो में से घटेगा तो एक, ये हो गया। और नीचे क्या है ये स्क्वायर किया तो चूंकि यहां पर क्या था 3/2 था तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, चूंकि पूरा वैल्यू किसके बराबर है जीरो के। और सोचिएगा कि यहां पर मैं इसको इरेज कर दूं, जगह कम है, पूरा वैल्यू जीरो है तो ये भी ट्रांसफर कर दे जीरो, मल्टीप्लाई कर जीरो हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दे जीरो हो जाएगा, और बचेगा क्या फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 यहां माइनस वहां 3/2 एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 × 2x इक्वल क्या है जीरो। आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया इन दोनों में, हाँ यहां के क्यू सोच रहे कहा गया तो वहां जीरो में डिवाइड कर दे जीरो हो गया, और ये कहा गया वहां मल्टीप्लाई कर दे जीरो हो गया। कॉमन ले सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, अंदर क्या मिलेगा यहां पावर 1/2 कॉमन ले लिए तो 1 क्योंकि 1 + 1/2 = 3/2, और यहां पूरा पूरा गया 3x स्क्वायर। अब ये सब वैल्यू कितने हैं जीरो की, ये भी आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो जीरो क्योंकि ये जीरो कभी नहीं सकता, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों प्लस हो रहा तो जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो कर दो। तो ये वैल्यू हमने बारह क्या लिया अप्लाई कर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x² = 0, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 3x² वहां गया इसको ट्रांसफर किया तो हो जाएगा 2x² इक्वल आर, एक्स स्क्वायर इक्वल आर बाई 2, जी हाँ क्लियर, ये एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया आर बाई 2, तो कहां पर मिला जी एक्स इक्वल हो गया
आर बाई रूट टू प्लस माइनस दोनों, जी हाँ दोनों डायरेक्शन में। यहां पर ई की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम। क्लियर ये? तो हम लोग कह रहे हैं कि हमें पता है सेंटर पे जीरो होता है, सेंटर से हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, सेंटर से जैसे आगे बढ़ते चाहे इधर चाहे इधर, तो यक्स की वैल्यू बढ़ने पर ही बढ़ता है। एक यक्स के वैल्यू पर, वो यक्स की वैल्यू क्या है, आर बाय रूट टू, आर इसकी रेडिया है, आर बाय रूट टू दूरी पर ई मैक्सिमम होता है। क्लियर ये? जी हाँ, आर से कम दूरी, आर बाय रूट टू दूरी पर ई मैक्सिमम, वहां से फिर यक्स बढ़ेगा, आर घटेगा, ई घटेगा, ई घटेगा, और एक जगह ई धीरे 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 इन्फिनिटी पे जाके जीरो, सेंटर पे जीरो, इन्फिनिटी जाके जीरो, बीच में आर बाय रूट टू पर मैक्सिमम, चाहे इधर जाओ, सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे क्या है, जीरो है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ई घटेगा, जी हाँ, आर बाय रूट टू पर, आर बाय रूट टू पर ई, एक्स बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, आर बाय रूट टू पर मैक्सिमम, फिर एक्स बढ़ेगा तो अब जी हाँ ई घटेगा और इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ आ रही है? तो ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, ये मैंने आपको बहुत डिफरेंशिएशन नहीं करना है लेकिन जानना है कि कहां पर क्या पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। क्लियर? ये फिर समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम के लिए उसका डिफरेंशिएशन क्या ले जाता है, जीरो, किसी भी वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में बदल रही हो उसकी वैल्यू मैक्सिमम के लिए क्या ले लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो यहां पर अगर देखो ई की वैल्यू जो है वो क्या थी, के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का होल पावर 3/2, जी इस रूप में थी, रेशनल नंबर के रूप में थी, तो इसको a by b के रूप में था, तो हम लोग क्या करेंगे, a का पहले b को छोड़ा, a का डिफरेंशिएशन माइनस a को छोड़ा b का डिफरेंशिएशन अपान b का स्क्वायर। तो यहां पर जब करेंगे e की वैल्यू तो यही थी ना, यही पूरा है, तो e की वैल्यू में आप देखो इक्वल लेंगे हम लोग जीरो, तो जो के क्यू है कॉन्स्टेंट है ये मिला आपको, तो a है और b है, तो b को छोड़ा a का किया डिफरेंशिएशन माइनस यहां पर देखो a को छोड़ा b का किया अपान b का स्क्वायर कर दिया। अब ये आपका के क्यू, इसका करना नहीं है छोड़ दिया, x का x रेस्पेक्ट में क्या होगा एक माइनस x, यहां पे करेंगे तो ये कांस्टेंट नहीं r कांस्टेंट है, इसमें ये ऐड है, ये बदलेगा तो ये वैल्यू बदलेगी, तो इसको पूरे को वेरिएबल मानेंगे, पावर पहले आया पावर में से घटा 3/2 में से घटेगा क्या मिल जाएगा 1/2, और फिर उसके बाद जी उसके बाद से देखा जाए तो यहां पे अगर हम r का करेंगे तो क्या मिलेगा जीरो, और ये क्योंकि r कांस्टेंट है अलग अलग करना पड़ेगा, और x स्क्वायर करेंगे तो पावर पहले आएगा 2x। क्लियर ये? अब ये वैल्यू उधर ट्रांसफर किया जीरो, ये भी वैल्यू ट्रांसफर किया जीरो, हमें क्या मिल गया ये वैल्यू। क्लियर ये? तो यहां पर देखो आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर और पावर 3/2 माइनस 3/2 एक्स, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये हो। अब इसमें से हमने कॉमन ले लिया आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का पावर हाफ, ये कॉमन ले लिया, तो मिला क्या आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये मिला। ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो नहीं सकती क्योंकि आर में x ऐड करोगे जीरो होगी नहीं, और आर भी डिस्टेंस x भी डिस्टेंस, लेकिन यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा तो यहां पे जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू किसके बराबर आ गया जीरो के, ये वैल्यू जैसे जीरो आया तो यहां पर ये सॉल्व किया एक्स स्क्वायर इक्वल आर बाई टू, तो एक्स इक्वल प्लस माइनस आर बाई टू, यानी ये कह सकते हैं क्या कि आर बाई रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, सेंटर पे जीरो, बढ़ोगे आर बाई रूट टू पर मैक्सिमम, फिर घटते घटते इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर हो गया दोनों साइड में, ऐसे समझ लिया। क्या हो रहा है, ये रिंग है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो है, बढ़ते 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 यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैक्सिमम, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये आर बाय रूट टू है, जी हाँ, फिर धीरे 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 इंफिनिटी क्या हो जाएगी जीरो, और इसकी रेडिया है आर। क्लियर ये? तो यक्स दूरी पर क्या है, फॉर्मूला जरा बताओ तो के क्यू यक्स अपान आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर पावर 3/2, सेंटर पे बताओ कितना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिंग के सेंटर जीरो, ई मैक्सिमम कहाँ है, ई मैक्सिमम कब होगा, वेन आर यक्स इक्वल आर बाय रूट टू, और इन्फिनिटी पे क्या होगा एट इन्फिनिटी, हाँ ई इक्वल जीरो,
सेंटर पे जीरो, बीच में आर बाई रूट टू पर क्या है मैक्सिमम है, फिर इन्फिनिटिव क्या है जीरो है। ये मैंने ले लिया ग्राफ जी, और बात आ रही है अब ये रिंग है, ये रिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है जरा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या है जीरो, मैंने ऊपर ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, वन वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है, इधर बढ़ोगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऊपर लेंगे इधर बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगा तो भी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है क्योंकि ये आपका है, तो कह सकते हैं क्या हो जाएगा आपका माइनस वाई पे लेंगे, एक्स इधर प्लस इधर एक्स माइनस, सेंटर पे क्या है जीरो, जी हाँ बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जी हाँ बढ़ रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ हो गया क्या बताओ तो, आर बाय रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया मैक्सिमम, उसके बाद फिर धीरे धीरे घटेगा, कहाँ घट के जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी पर, कहाँ घट के जीरो होगा इन्फिनिटी पर जी, क्लियर। ये अब इधर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बढ़ेगा, कहां पर बढ़ के मैक्सिमम होगा जी, ई मैक्सिमम है, मैक्सिमम है कहां पर, जब यक्स किसके बराबर है आर बाय रूट, तो जब यक्स इक्वल कह सकते हैं यक्स इक्वल आपका आर बाय रूट टू है तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, फिर उसके बाद घटने लग रहा है और घट के इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, तो सेंटर पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यक्स बढ़ेगा 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, कहां मैक्सिमम होगा जब यक्स इक्वल आर बाय रूट टू होगा, यक्स इक्वल आर बाय रूट टू होगा ई मैक्सिमम होगा, और कहां पर फिर जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी पर, क्लियर है ये समझ में आ गया जी हाँ पूरा पूरा। अगर रिंग को मैं सेमी रिंग कर दू, सेमी सर्कुलर कर दू, क्वाड्रेटिक कर दू, 60 डिग्री सेंटर बना रहा हो, 30 डिग्री बना रहा हो, ये सारे कंडीशंस हम लोग देखे केस फर्स्ट में, क्लियर है। केस सेकंड में देखिए एक्सिस पर, एक्सिस पे जब देखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया के क्यू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2, इससे देखा गया सेंटर फिर कितना आ रहा है जीरो, होता भी जीरो, क्लियर है ये। लेकिन ये देखा गया कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो है, इन्फिनिटी पर भी जीरो है, लेकिन मैक्सिमम कहां उनके बीच में, तो मैक्सिमम क्या यहाँ पे है तो कह सकते हैं आर बाय रूट टू पर है, और जब यक्स बहुत ज्यादा हो जाए आर से तो फार्मूला वो रिंग जो है वो पॉइंट चल जाएगा, और फार्मूला क्या लगेगा के क्यू अपॉन यक्स स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी जी हाँ। अब हम नए लेक्चर में नया एक आपको ले आने वाले हैं, क्या कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। ओके थैंक यू।